हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HPGK। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे जो है वो प्रश्न बने हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम MCQ सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश को मुख्यतः तीन प्रकार की पर्वत श्रेणियों यानी कि श्रृंखलाओं में बांटा गया है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। ऐसे प्रश्न बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो आपने क्या बताना है उसका? तीन। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। तो देखिए, सबसे पहली है निमन पर्वत श्रेणी, दूसरी है मध्य पर्वत श्रेणी और तीसरी है उच्च पर्वत श्रेणी। तो हमने इसको कैसे याद रखना है? हमने चलना निमन, निम्न यानी नीचे, तो हम नीचे से चलेंगे कि निमन, निमन के बाद क्या आएगा? मध्य, और मध्य के बाद आएगा उच्च। तो बस आपने याद रखना कि सबसे पहले नीचे, फिर उसके बाद मध्य और उसके बाद सबसे ऊपर यानी उच्च। तो बन गई हमारी तीन श्रेणियां, ठीक है? तो निमन पर्वत श्रेणी, मध्य पर्वत श्रेणी और उच्च पर्वत श्रेणी। तो चलिए सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो निम्न पर्वत श्रेणी के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे प्रश्न जो है वो पेपरों में बने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला है निम्न पर्वत श्रेणी। अब देखिए, इन पर्वत श्रेणियों को शिवालिक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, और ये प्रश्न बने हैं कि निम्न पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? शिवालिक पर्वत श्रेणी। तो देखिए, हम इसे कैसे याद रखेंगे? निम्न को हम ले लेंगे नम्न, क्या ले लेंगे? नमन। तो देखिए, शिवालिक का शिव, तो शिव भगवान के आगे हम क्या करते हैं? नम्न करते हैं, यानी उनके आगे अपना सिर जो है वो झुकाते हैं। तो बन गया कि हम किसके आगे नम्न करते हैं? शिव भगवान के आगे। तो बस आपने याद रखना है कि जब भी निम्न की बात आएगी तो आपने याद रखना है कि नम्न और नमन हम किसके आगे करते हैं? शिव भगवान के आगे। तो बस शिवालिक पर्वत जो है उसे क्या? निम्न पर्वत श्रेणी कहा जाता है। और अगला है, शिवालिक का अर्थ है। अब शिवालिक का क्या अर्थ है? यहाँ पे शिव के बारे में बात हो रही, तो शिवालिक का अर्थ है शिव की जटाएं, ठीक है? हमारा अगला पॉइंट है, प्राचीन काल में बाह्य हिमालय अथवा शिवालिक पर्वतमाला को मानक पर्वत या मेनाक पर्वत के नाम से जाना जाता था। ये प्रश्न बना है कि प्राचीन काल में हिमालय पर्वत को किस नाम से या शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए, किस नाम से? मानक पर्वत या मेनाक पर्वत। और ये बड़ी बार प्रश्न जो है वो रिपीट हुए हैं, तो हम इसे कैसे याद रखेंगे? मैंने आपको बताया कि शिवालिक को हमें शिव भगवान के नाम से याद रखना है। तो शिव भगवान ऐसे हैं जो अपने भक्तों का मान रखते हैं, मान यानी मानक, ठीक है? कि शिव भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों का मान रखते हैं, कि भक्त जो है जो भी उनसे मांगते हैं वो उनका मान रख के उन्हें वो चीजें प्रदान करते हैं, मतलब उन्हें आशीर्वाद के तौर पे ये वो देते हैं प्रदान। तो देखिए, यहाँ पे हमने बस ये याद रखना कि शिव भगवान जो है अपने भक्तों का मान रखते हैं। तो बस बन गया कि शिवालिक पर्वतमाला को मानक पर्वत या मेनाक पर्वत के नाम से जाना जाता था, ठीक है? अगला है, यहाँ स्थित उपजाऊ घाटियां कांगड़ा, पौंटा और बलह हैं। और ये पूछा जाता है कि निमन पर्वत श्रेणी या शिवालिक पर्वत श्रेणी की उपजाऊ घाटियां कौन सी हैं। उसमें आपको ऑप्शनें दी होंगी और आपको उन ऑप्शनों में से ही देखना होगा कि कौन सी इसकी उपजाऊ घाटियां हैं, ठीक है? तो कौन सी है? सिर्फ तीन है, कांगड़ा, पौंटा और बलह। और बलह के बारे में बहुत बार पूछा गया कि कौन सी उपजाऊ घाटी है, ठीक है? इसका अगला जो है वो भी इम्पोर्टेंट है कि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 350 मीटर से 1500 मीटर के मध्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं जितने भी पॉइंट आपको पॉइंट बता रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इनसे बहुत बार बने हैं। तो देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई, किसकी? निमन पर्वत श्रेणी की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 350 मीटर से 1500 मीटर के मध्य है। तो अगला पॉइंट है हमारा, निम्न पर्वत श्रेणी में वार्षिक वर्षा 1500 से 1800 मिलीमीटर के मध्य होती है। और अब प्रश्न ऐसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, सिंपल प्रश्न कोई भी नहीं पूछता। अब या तो वर्षा के बारे में पूछा जाएगा, या उसके समुद्र तल से ऊंचाई के बारे में पूछा जाएगा, उसकी उपजाऊ घाटियों के बारे में, या यहाँ पे कौन सी फसलें होती हैं, या कौन सा मतलब इसमें डिस्ट्रिक्ट है। ये सारे प्रश्न इनमें से बने हैं और एक एक पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वार्षिक वर्षा कितनी होती है निम्न पर्वत श्रेणी में? 1500 से 1800 मिलीमीटर के मध्य होती है, ठीक है? अब यहाँ की कौन कौन सी फसलें हैं? मक्की, गेहूं, अदरक, धान, गन्ना। कौन कौन सी? गेहूं, मक्की, अदरक, धान, गन्ना जैसी प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं निम्न पर्वत श्रेणी में। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, इसके साथ साथ सोलन तथा सिरमौर के निचले क्षेत्र आते हैं। पूछा जाता है कि शिवालिक पर्वत श्रेणी के कौन सा जिला आता है, या कांगड़ा को किस
पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है, तो उसमें ऑप्शन दी होंगी, तो जैसे शिवालिक दिया होगा, जास्कर दिया होगा, तो आपने उनमें से बताना है कि किस नाम से उन्हें जाना जाता है। जैसे कि कांगड़ा को या ऊना, हमीरपुर को, बिलासपुर को, सोलन और सिरमौर को किस नाम से, शिवालिक पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है या निम्न पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, ये उसके निचले क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है मध्यवर्ती अथवा अंतर्वर्ती पर्वत श्रेणी। ये हमारी दूसरी पर्वत श्रेणी, सबसे पहले निम्न यानी नीचे की आई, उसके बाद अब मध्य आ रही है, मध्य बीच में। तो देखिए इसको कैसे हम याद करेंगे। अब इसका पहला पॉइंट है, इस क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई 1500 मीटर से 4500 मीटर के मध्य है। देखिए आपने पहले, सबसे पहले निम्न श्रेणी की जो है वो समुद्र तल से ऊंचाई याद कर लेनी है, बाकी आपको अपने आप ही याद हो जाएंगी। जैसे हमारी पहली निम्न क्षेत्र की थी 350 मीटर से 1500 मीटर, तो आपने देखा नहीं कि निम्न क्षेत्र हमारा कहाँ पे खत्म हो रहा है, 1500 मीटर। तो अब जो मध्य चलेगा वो कहाँ से चलेगा, 1500 से ही चलेगा, यानी 1500 से। तो बस आपने पहली याद रखनी है, तो उसके बाद आपको दूसरी और तीसरी अपने आप ही याद हो जाएगी। तो मध्यवर्ती कितने से स्टार्ट हुई, यहाँ पे 1500 मीटर से 4500 मीटर के मध्य है। अब पहली थी हमारी 350 से 1500 और दूसरी शुरू हुई हमारी 1500 मीटर से 4500, यानी 4500 मीटर के मध्य। ठीक है, अब इस क्षेत्र में दो पर्वत श्रृंखलाएं जो पाई जाती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी है, एक तो धौलाधार और दूसरी पीर पंजाल। ठीक है, तो मैं आपको धौलाधार को बता देती हूँ कैसे याद रखना है हमने, कि देखिए धार, धौलाधार में आपने याद रखना है धार, धार कैसी होती है, तो पानी की होगी या दूध की होगी। ठीक है, धार पानी की होगी या दूध की होगी। अब ये पूछा जा सकता है कि धौलाधार पर्वत श्रेणी कौन से पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो ये कौन सी है, मध्यवर्ती या अंतर्वर्ती। तो आपने याद रखना है कि धार जो है वो या तो दूध की होती है या पानी की, और इसे हम किस में भरते हैं, किसी घड़े में भरेंगे या किसी बाल्टी में या किसी भी ऐसे बर्तन में जिससे कि वो चीज बाहर ना गिरे। तो जब भी हम किसी बर्तन में धार या दूध या पानी डालेंगे तो हम क्या करेंगे, ये ध्यान रखेंगे कि वो मध्य में गिरे यानी अंदर गिरे, तो मध्य से मध्यवर्ती और अंदर यानी अंतर्वर्ती। तो बस आपने याद रखना कि धौलाधार पर्वत श्रेणी किस में है, वो है मध्यवर्ती अथवा अंतर्वर्ती। ठीक है, और दूसरा है पीर पंजाल। अब पीर पंजाल को कैसे याद रखेंगे, कि पीर पंजाल में हमने लेना है सबसे पहले जाल। ठीक है, जाल के मध्य कोई फंस जाए, जाल के मध्य, अब देखिए जाल यानी पीर पंजाल, जाल के मध्य यानी अंदर, मध्य से मध्यवर्ती और अंदर यानी अंतर्वर्ती, कि जाल के अंदर कोई फंस जाए तो उसे पीर क्या होता है, पीर पीड़ा होती है। तो बस पीर पंजाल और धौलाधार दोनों बन गई मध्यवर्ती और अंतर्वर्ती। ठीक है, अगला है धौलाधार पर्वत श्रृंखला कांगड़ा जिले में पाई जाती है। ये प्रश्न पूछा गया है कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला किस जिले में पाई जाती है, ये कांगड़ा जिले में पाई जाती है। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, धौलाधार में आपने, आपको मैंने बताया है धार, तो धार पानी की या दूध की, उसे हम किसी बर्तन में, बाल्टी में या घड़े में भरते हैं। बस ये ध्यान रखते हैं कि धार जो है या तो मध्य में और अंदर गिरे, बाहर ना गिरे। तो बस धार किस में भरते हैं हम, घड़ा। ठीक है, घड़ा से बन गया हमारा कांगड़ा। ठीक है, अगला हमारा धौलाधार पर्वत श्रृंखला को मोलाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो ये भी प्रश्न पूछा गया कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला को किसके नाम से जाना जाता है, तो किसके, मोलाक पर्वत के। देखिए इसकी मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा हिंट बताऊंगी कि आपको कैसे इस चीज को याद रखना है। यहाँ पे हम लेंगे धौला, ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे धौला। अब आप इस धो वर्ड को अगर हटा दें और यहाँ पे मो वर्ड ले आए, तो अपने आप बन जाएगा मोला। तो मोला से मोलाक, कि धो का अगर आप धो को हटा देंगे धौला से और वहां पे मो वर्ड को ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, मोला। तो मोला से बन गया मोलाक पर्वत, धौला और मोला। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सॉरी अगला पॉइंट है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला कांगड़ा, चंबा और मंडी जिलों में स्थित है। किसमें है, देखिए मैंने बताया धौलाधार किसमें है, कांगड़ा, चंबा और मंडी। तो इसको मैं दो आपको ऐसे बता देती हूँ कैसे याद रखना है, कि धार ही याद रखनी है आपने। धार को हम किसमें भरते हैं, घड़ा, घड़ा से बन गया कांगड़ा। ठीक है, और दूसरा अगर धार दूध की हो और दूध की धार अगर पीने को मिल जाए तो हमारा मन खुश हो जाता है, मन यानी मंडी। मंडी में आपको मन की आवाज आ रही होगी कि दूध की धार अगर मिल जाए अच्छी सी पीने को तो मन खुश हो जाता है। बस दो मैंने आपको बता दिए, और तीसरा आपने याद रखना है चंबा। तो कौन कौन से हो धौलाधार पर्वत श्रृंखला, कांगड़ा, चंबा और मंडी। ठीक है, अगला है पीर पंजाल लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि पीर पंजाल लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तब कैसे बताया मैंने आपको, कि देखिए पीर पंजाल में सबसे पहले हम लेते हैं जाल। ठीक है, जाल
चाहे लघु, लघु यानी छोटा, चाहे लघु हो चाहे लंबा यानी लंबी, जार चाहे लघु हो या लंबा हो उसके मध्य फंसने पर पीड़ा तो होती ही है। पीड़ा यानी पीर, कि कोई भी अगर जाल में फंस जाए, चाहे जाल छोटा हो या बड़ा हो या लंबा हो, तब भी क्या होती है, जाल में फंसने वाले को पीड़ा होती है। और जाल को कैसे काटा जा सकता है, अपनी चतुराई के साथ या चालाकी के साथ। ठीक है, तो बन गया हमारा कि पीर पंजाल लघु, लघु यानी छोटा। ठीक है, लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और अगला है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला चंबा जिले में पड़ती है। अब मैंने आपको बताया कि जाल को कैसे काटा जा सकता है, चतुर चालाकी के साथ, ठीक है, या चतुराई के साथ। च वर्ड आपको आ रहा है तो च चंबा, ऐसा कोई भी जिला नहीं है जो च से शुरू होता है, चंबा है तो आपने च से चंबा याद रखना है। ठीक है, हमारा अगला जो पर्वत श्रेणी है वो है उच्च पर्वत श्रेणी। उच्च यानी सबसे ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली कहाँ रहेगी, बाहर रहेगी, क्योंकि निम्न और मध्य वाली तो अंदर रहती है, लेकिन जो उच्च होती है सबसे उच्च वो कहाँ रहती है, बाहर रहती है। तो देखिए मैंने आपको यही चीज ये बता दी कि उच्च पर्वत श्रेणी इस क्षेत्र को वृहत हिमालय तथा अल्पाइन जोन या खंड के नाम से भी जाना जाता है। और प्रश्न पूछा गया कि इस उच्च पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है, वृहत हिमालय तथा अल्पाइन जोन। तो देखिए वृहत मैंने आपको बताया कि जो सबसे ऊंची होगी वो बाहर से दिखेगी, बाहर ही रहेगी, तो बाहर से बन गया वृहत हिमालय। ठीक है, अगला है इस क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई 4500 मीटर से अधिक है। अब देखिए मैंने आपको निम्न बताया था कि आपको एक निम्न याद रखना है, बाकी आपको अपने आप याद हो जाएंगी। निम्न में क्या था, 350 से कितनी थी वो हमारी 1500, अब दूसरी मध्य वाली आई 1500 से 4500, तो जाहिर सी बात है जो तीसरी स्टार्ट होगी वो कहां से शुरू होगी, 4500 मीटर से। ठीक है, तो बस तीनों याद हो गई हमें कि इस क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई 4500 मीटर से अधिक है। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है इस क्षेत्र में मुख्यतः जास्कर पर्वत श्रृंखला आती है जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। देखिए ये बहुत बार रिपीट हुआ और बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है, तो वो है जास्कर पर्वत श्रृंखला। तो देखिए इसे हम कैसे याद रखेंगे, जास्कर, जास्कर में आपको जा की आवाज सुनाई दे रही होगी कि जा, जा यानी किसी से कोई चीज अलग हो रही है, यानी जा रहा है कोई। तो ठीक है, अगर कोई हमें छोड़कर जाता है या किसी को भी छोड़कर जाता है तो उसका मन खराब होता है, उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब होती है, उसे बुरा लगता है, तो तबीयत तिब्बत। ठीक है, तो बस आपने याद रखना कि कोई अलग हो रहा है तो उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब होगी, उसका मन खराब होगा, तो तबीयत तिब्बत और जा से जास्कर। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिला जिसकी ऊंचाई 7025 मीटर है इसी पर्वत श्रृंखला में है। तो शिला भी इसी में ही है, किसमें, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जास्कर पर्वत श्रृंखला में जो है वो आती है, यानी उच्च पर्वत श्रेणी में। तो अब हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सारे ही जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रश्न जो है कई बार रिपीट हुए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कौन सी पर्वत श्रृंखला लाहौल स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। देखिए यह पहला प्रश्न ही ये आ गया है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला लाहौल स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। हमारी ऑप्शनें हैं जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधार पर्वत श्रृंखला, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला या इनमें से कोई नहीं। तो कैसे बताया मैंने आपको कि अलग, अलग करना यानी जाना, तो जा, ठीक है, जा से ही हमें पता लग रहा है कि अगर कोई जाता है हमें छोड़कर तो हमारी तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है, मतलब मन थोड़ा सा दुखी हो जाता है, या कोई हमसे किनारा भी करता है, किनारा यानी किन्नौर, कि कोई किनारा कर ले हमें, देख के ऐसे मतलब थोड़ा सा इग्नोर करे तब भी हमारा मन दुखी होता है, तबीयत थोड़ी सी खराब होती है। ठीक है, तो बस बन गया कि कोई अलग हो रहा है, जा से जास्कर पर्वत श्रृंखला हमारी ए ऑप्शन। अगला है शिवालिक पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई कितनी है। अब देखिए शिवालिक, शिवालिक कौन सी है, शिव के आगे क्या करते हैं हम, नमन करते हैं। ठीक है, तो निम्न पहाड़ियां आ गई और निम्न पहाड़ियों की कितनी थी समुद्र तल से ऊंचाई, 350 मीटर से 1500 मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1200 मीटर, 1400 मीटर, 1500 मीटर और 1700 मीटर, तो हमारी सी ऑप्शन यानी 1500 मीटर। ठीक है, हमारा अगला है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शिला, मनीरेंग, कैलाश या पीर पंजाल। तो कौन सी है, शिला, कौन सी सबसे ऊंची, शिला। हमारा अगला प्रश्न है ऊना जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है, शिवालिक, धौलाधार, वृहत हिमालय, श्वेत पर्वत श्रृंखलाएं। तो देखिए ऊना,
अब कौन से ऐसे थे जो इसमें आए थे? कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, ऐसी कुछ पहाड़ियां थी जिन्हें शिवालिक पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आ गया हमारे ए ऑप्शन शिवालिक। ठीक है, अगला है हिमाचल प्रदेश की जास्कर पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैंने आपको पीछे पॉइंट में बताया है कि कौन सी है जास्कर पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, शिला, कैलाश, चौलांग या मनीरैंग। तो कौन सी है? शिला। और शिला हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो है पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कांगड़ा घाटी किस पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है? अब देखिए प्रश्न कैसे पूछा है कि कांगड़ा घाटी, पहले ऊना के बारे में पूछा था, अब यहाँ कांगड़ा के बारे में पूछा है। ऐसे ही हमीरपुर के बारे में पूछ सकते हैं, कोई भी जितने भी जिले हैं उनको भी आपने याद रखना है क्योंकि जिलों से भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे पूछा है कांगड़ा घाटी किस पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है? तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं, शिवालिक पर्वत, धौलाधार, पीर पंजाल और जास्कर। तो कहाँ पे है ये? शिवालिक, हमारी ए ऑप्शन। अगला है हिमाचल प्रदेश को मैदानों से पृथक करने वाली पर्वत श्रृंखला है, मैदानों से। तो देखिए चलो देखते हैं हमारी कौन सी ऑप्शन है, धौलाधार, जास्कर, शिवालिक, पीर पंजाल। तो कौन सी है? शिवालिक। तो शिवालिक जो है वो हिमाचल प्रदेश को मैदानों से पृथक करने वाली पर्वत श्रृंखला है, हमारी सी ऑप्शन। अगला है धौलाधार पर्वत श्रृंखला किस तीर्थ स्थान के पास वृहत हिमालय पर्वत श्रृंखला से पृथक होती है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और देखिए ये कैसे पूछा गया है कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला किस तीर्थ स्थान के पास वृहत हिमालय पर्वत श्रृंखला से पृथक होती है। ए ऑप्शन बद्रीनाथ, केदारनाथ, मणिमहेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, बद्रीनाथ। हमारा अगला प्रश्न है शिवालिक क्षेत्र में कौन सा जिला स्थित है? अब देखिए फिर से शिवालिक क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति या फिर ऊना। तो हमने क्या पढ़ा था कि ऊना जिले को किस नाम से और जाना जाता है या किस क्षेत्र में आता है? तो वो आता है शिवालिक में। तो हमारी डी ऑप्शन। अगला प्रश्न ऊना हमीरपुर जिले की पहाड़ियों का क्या नाम है? भीतरी शिमला, शिवालिक, अरावली, पीर पंजाल। तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के हर बार पूछा गया है। तो हमारी बी ऑप्शन यानी के शिवालिक। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।